लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उसे मैं डिवोर्स तो दूंगा ही, लेकिन उसके बच्चों को ये जरूर बताऊंगा कि उनकी मॉम किस तरह की औरत है। मैं रिकी का ब्याह करवाऊंगा सही तरीके से और एक सही लड़की। लड़की आपके सामने ही, आंखें खोलो। डॉक्टर शर्मा, मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई, लेकिन तुम दोनों मेरी बेटी नहीं हो। सर के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। डॉक्टर सीम्स रियली कंसर्न्ड। शी वांट्स टू मीट सम फैमिली मेंबर एट द कैफे नेक्स्ट टू द ऑफिस। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उनको भी सेम जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है। तो वो मेरी प्रोग्रेस से बहुत इंप्रेस हुए एंड आई टोल्ड हिम अबाउट यू। आप उनसे मिल लेंगी? ऑफ कोर्स। हेलो, मतलब क्या यार, कब से नंबर ट्राई कर रही हूँ तेरा। मैं लाइफ में ना रोज रोज नया स्यापा आ जाता है ना, मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ। मैं आऊ? नहीं, तू रहने दे, हो जाएगा मैनेज। लिसन पलक, आई नीड टू टेल यू समथिंग। ये अंगद और रीवा का मैटर ना सीरियस होते जा रहा है। अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया ना, ये अंगद ले जाएगा रीवा को। कल हमारा जो प्लान है ना, एकदम सक्सेसफुल होना चाहिए, नहीं तो गई रीवा हाथ से। तू सही बोल रही है, ये अंगद को ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, काफी एक्सपीरियंस है वो इन सब चीजों में। आई स्वेयर। एक तो ना आई हेट इट व्हेन दीस नूनस ना ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो तुझे ब्लेम करते हैं। अब तो उनकी साइड मत लेना ये कह के कि अरे दे आर गोइंग थ्रू सम इमोशनल ट्रॉमा, ये वो, ये सब मत बोलना। मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई, लेकिन तुम दोनों मेरी बेटी नहीं हो। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी। ब्लडी हेल, क्या हुआ? मैंने क्या बोल दिया ऐसे तुझे? आई ना, तू दोबारा उनकी साइड ले रही है। आज ना मैं आज खून कर दूंगी मैं इसका। मतलब मारेगी तू मुझे? आज बहुत बकवास हुई है। क्या बोला मैंने तुझे ऐसा यार? शर्म आती है तुम्हें? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपके पास पैसे हैं? अगर हैं तो ये आपसे शादी कर लेंगे। आपके पास कोई सौतेला भाई है? अगर उनके पास पैसे हैं उनसे भी शादी कर लेंगे, बेशर्म है, ऐसा कुछ नहीं। गर्लफ्रेंड होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी, कोई मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड इंसान है यहाँ पे? क्योंकि सर उसे गोल्ड डिगर बुलाना चाहते हैं। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? आई एम डाइंग टू डू इट, पर मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो, मेरा पीछा मत करो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? यस। और तुम्हारे बच्चों को मैंने भड़काया? यस। मेरी बहन को कौन भड़का रहा है? तुम अपने बच्चों को यूज कर रही हो, तुम मेरी फैमिली से कनेक्ट कर रही हो, तुम और मैं भड़का रहा हूँ। क्या हुआ, तुम वापिस आ गई? हाँ, तुम तो चली गई था ना अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ। आई एम सॉरी, मेरे सौतेले भाई के साथ प्रेग्नेंट होके। देन व्हाई द फक आर यू बैक? क्या वो पैसे खत्म हो गए? नन ऑफ योर बिजनेस, पर मैं अपने पेशेंट के लिए आई हूँ और यहाँ अपने क्लाइंट से मिलने आई हूँ। ओह राइट, आई एम सॉरी, दैट्स द राइट वर्ड। तुम यहाँ अपने क्लाइंट के लिए आई हो, सभी क्लाइंट है ना तुम्हारे? मैं भी था, मैंने भी ऐसी शादी कर ली यार तुमसे, क्लाइंट ही बना लेती। क्लाइंट, बहुत मेहनत से घर चलाती हूँ मैं अपना, अनलाइक यू, मेरे पापा ने मुझे इंडस्ट्रीज नहीं दी है। हर कोई तुम्हारी तरह सोने की थाली में खाना नहीं खाता मिस्टर नून। इसीलिए सबकी सोने की थाली छीनती फिरती हो तुम। यूजिंग व्हाट? यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लेवल पे आई डोंट वांट टू स्टूप डाउन, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, दूर रहो, गेट अ लाइफ। गुड, दैट्स द डॉग, फक ऑफ। डैड, मैं आया था, लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ वो मनहूस पलक मिल जाती है मुझे। मैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट से बाद में मिलूंगा।
पलक शर्मा फिजियोथेरेपी। पलक मेरे रिकी का पीछा नहीं छोड़ेगी। पलक क्या है अब? और क्या सुनाना तुम्हें? तुम मेरे डैड की फिजियोथेरेपिस्ट हो। मेरे डैड को मालूम है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उन्हें अगर मालूम होता कि तुम पलक हो तो वो कभी भी। वाह पलक, एक और झूठ किस लिए? जब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो क्यों मेरी फैमिली को हैरेस कर रही हो तुम? व्हाई यू डूइंग दिस टू माय डैड? व्हाई? जस्ट शट अप। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग फ्रॉम यू नाउ। मेरी बात सुनो, मेरे डैड का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो तुम? अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ू के मेरे घर पे भेजने की कोशिश कर रही हो? विक्रांत की नाजायज औलादों को मेरे गले पाड़ने की कोशिश क्यों कर रही हो? शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा भाई शिवम है ना, वो लेके आया था मुझे। ही रिक्वेस्टेड मी, ही प्लीडेड मी, मिन्नत की थी उसने मुझसे, इसलिए मैं आई वापस। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो जाके करा लो डीएनए टेस्ट, तसल्ली कर लो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हो, समझे? डेकोरेशन इज ऑन पॉइंट, लेकिन मुझे डीजे रॉकी चाहिए, बहुत सॉलिड बजाता है वो बंदा। मैं भी कौन सा बजाता हूँ? माय गॉड, भाई अल्लाह को कौन से क्या है? डैड की फिजियोथेरेपी कौन है? तेरा क्या था ना ये? किसको बोल रहे हैं? क्या? ओह माय गॉड, नहीं, मैं बताता हूँ भाई। भाई पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, वो मायूस होते जा रहे थे, पापा की हालत बहुत खराब है, सर टूट रहा है भाई। और भाई ये नौटंकी बंद करना कर। अरे मारो मत, मारोगे तो मैं बोलूंगा कैसे, बोलने तो आप मुझे एक बार देखो, पापा को ना फिजिकली के साथ साथ इमोशनली भी यू नो ट्रीटमेंट की जरूरत थी, और कोई भी डॉक्टर टिक नहीं पा रहा था उनके पास। सारे डॉक्टर अपने में फोटो उनकी घुमाए जा रहे कि ये पेशेंट सन की है, इसके पास कोई जाओ मत। मैं क्या करता, मैं कैसे भी करके उन्हें यहाँ ले आया। इतनी आसानी से मान गई वो? अरे कहाँ मानी वो, से हाथ पैर छोड़ के मैंने मनाया उनको। और यू नो शी इज गुड एट हर वर्क। वो ऐसे नहीं मानी। वो मानी कैसे पता है आपको? उसने कहा कि वो किसी जमाने में उनके ससुर थे। फॉर हिम, फॉर पा, शी सेड यस। पा के लिए शी सेड यस। इतनी शरीफ नहीं है वो? हाँ हो सकता है शी डिड फॉर मनी। आजकल लोग ऐसे ही होते हैं पागल से, ये भी रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ये प्लान है? नहीं, देखो अरे भाई, यू नो मी राइट, आप मुझे अच्छे से जानते हो ना, और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से उसने आपका दिल तोड़ा था। मैं करूंगा ऐसे? हाँ मैं तो उससे दूर भागता हूँ, उसके पास तक जाने का नहीं सोचता हूँ मैं। पर भाई यू नो मैंने तो उसे पैसे भी ऑफर किए थे, उन्होंने क्या कहा आप जानते हो? उन्हें एक रुपया नहीं चाहिए। हाँ, सच्चा ड्रामा क्वीन। पर यू नो भाई, सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड इतना पैसे वाला है तो फिर वो अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी रही है? एक सड़े से घर में रह रही है, एक बुरी सी जिंदगी जी रही है, यू नो शी शुड बी वेल ऑफ। नो, हर अच्छे खासे उनके फिजियोथेरेपिस्ट की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन आप जानते हो कितना सेव कर पाती है वो? बस अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके इतना। हाँ, ना ज्वेलरी है, ना गाड़ी है, और जानते हो आप फोन कौन सा यूज कर रही है? वो जो 10 साल पुराना आता था ना, तब का फोन यूज कर रही है वो अभी भी। हाँ, हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ये भी हो सकता है। अरे खा लो बच्चो, अरे ए बच्चो खा लो मेरे बच्चो, वरना अरे खा लो शैतानू, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा ही लो। है कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे मैं। क्या पूछ रहा है यार, एक तो मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ और तुझे अपनी पड़ी है, ये देख देख। जस्ट टेल मी यार। ये वो पुरानी कहावत थी, बच्चे मन के सच्चे। आज की कहावत सुनेगा? बच्चे ना हो तो अच्छे। डूड मैं तुझसे कुछ सीरियस पूछ रहा हूँ,
तू क्या जवाब दे रहा है मुझे? क्या कुछ सूंघा हुआ है क्या तूने? सेतु सेतु यार, ये बच्चों को खिलाओ ना, वो मैं करता हूँ। सॉरी मम्मा, हमें नहीं चाहिए पापा, यहाँ पे छोड़ के गए थे। आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को कुछ समझा नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी नहीं मम्मा, प्लीज मम्मा, आप तो बेस्ट मॉम हो। सुपर मम्मा। हाँ ये सच है, जिया और दिया तुम्हारी बेटी है। सबूत चाहिए ना तुम्हें? पलक वॉज प्रेग्नेंट बिफोर शी लेफ्ट यू। और उसने मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो इस प्रेगनेंसी को यूज करके विक्रांत को फंसाना चाहती थी। एंड ऑब्वियसली विक्रांत किसी और के बच्चों को क्यों एक्सेप्ट करेगा? व्हाट अ बिच। ऋत्विक प्लीज, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग बियॉन्ड दिस। कुछ जवाब है जो तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। Are you serious? जिया और दिया, उनका क्या? वीपी सर को मैं ट्रीट करूंगी, ऋतिक को पता चल चुका है, पता ही होगा ना तुम्हें? बहुत अच्छे से। मतलब? मतलब नथिंग, नथिंग। इस काम के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आए थे वो तो हो गया है, और जो नहीं होना चाहिए ना वो भी हो गया। It's better that we leave now. ओह हेलो, अभी अभी कहाँ? क्यों? अब क्या रह गया? अभी तो कोई काम ही नहीं हुआ है। रीवा दी की प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? देखो, यू प्रॉमिस मी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आपको निभानी पड़ेगी। तुम नून्स अपने आप को, तुम नून्स अपने आप को समझते क्या हो यार? Are you sure? I mean, पलक को समझने में तू गलती नहीं कर रहा है। देख रिकी, पलक वॉज प्रेगनेंट विद योर किड्स, ऑलराइट, और विक्रांत ने उसको डंप किया, पर आई मीन अगर उसको पैसों की जरूरत होती तो उसी वक्त आ जाती ना तेरे पास। That was the best time for her. पर उसने उसकी परवाह नहीं की, she went ahead with that without the money. 6 साल पहले उसने पैसों की परवाह नहीं की तो अभी क्यों करेगी वो? हो गया होगा ना कुछ, से तो कुछ बताना नहीं चाहती है। I left my family, I left my work, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा था उसके लिए, और वो मुझे छोड़ के गई थी उस विक्रांत के लिए, बच्चों को अपने पेट में लेकर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी सच्चाई मानूं। See, All I'm saying is, सेतु हमें पूरी बात नहीं बता रही है, राइट? तो आई मीन ये ओपिनियन बनाना इतनी जल्दबाजी में, आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी। ठीक है, मैं इधर। हेलो, पापा बोल रहे हैं। जी बेटा। पापा मैं दिया, अब हमारी मम्मा को परेशान करना बंद करो। आपको पेपर चाहिए? मिल जाएगा। पापा हमारी फ्रेंडशिप भी फिनिश, कट्टी। सुनो, हेलो, जाके करा लो डीएनए टेस्ट, तसल्ली करो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। जिया और दिया तुम्हारी बेटी है। पलक वॉज प्रेग्नेंट बिफोर शी लेफ्ट यू। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। I want my kids back. मेरा खून है वो। This place is suffocating me, Angad. I'm just leaving right now. Yeah, I'll see you there. Love you. Why are you wasting your time? You know I'm not gonna come to this party, all right? Damn it! ये सब उस पलक की वजह से हो रहा है। यार पलक भाभी रीवा दी तो आ नहीं रही है पार्टी में, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, इसका मतलब हमारा प्लान तो फेल। तुम नून से इतनी जल्दी गिव अप क्यों करते हो? लेट मी हैंडल इट। अच्छा मैं चलता हूँ। रिकी भाई ने तो छोड़ दिया था, रीवा दी मार ही डालेगी मुझे। एक तो साला सबका अच्छा करना चाहता हूँ तो ऊपर से सब खुन्नस निकाल रहे हैं मुझसे। शिवम, रीवा। हाय।
How are you? I'm good. Hi. And first of all, thanks a lot. Thanks for everything. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अंगद को दोबारा देख भी पाऊंगी. Thank you. It's all because of you. What? What are you doing? I'm not doing anything. Are you pinching me? Why would I do that? Anyways, Palak, you know Ricky bhai aur pa hame kabhi ikatthe dekh nahi payenge. They won't let us be. Isliye main soch rahi thi na ki hum aaj hi chale jaye. Ouch! What is wrong? You're pinching me again and again. Yeah. I'm not pinching you. Okay, again fine, and fine, again. Fine. I don't know, kuch hoga na yaar table ke niche. Dekh lete na phir. Reeva, तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतना सीरियस मैटर है तुम दोनों? लड़ाई कर रहे हो ऐसी बातों पे? कोई कुछ होगा. लेट इट बी. तुम दोनों एक दूसरे से रियल लव करते हो, राइट? तो क्यों डर रहे हो? रीवा, तुम पार्टी में जाओ, अंगद के साथ जाओ, अपनी फैमिली को सबके सामने बताओ दैट यू लव हिम, यू वांट टू बी विद हिम फॉरएवर. दैट्स व्हाट ट्रू लव इज, राइट? नहीं रीवा, इट डजंट मेक एनी सेंस. हमें ना ही उनका आशीर्वाद चाहिए और ना ही उनकी परमिशन. नहीं, Palak's right. मैं क्यों छुप के और भाग के जीऊं? They should be guilty. They ruined my life. उनको भी तो समझ आनी चाहिए ना कि जब अपनी मर्जी बच्चों पे थोपते हैं तो शादियां नहीं निपटती यार. I'm not leaving. She's right. You know what? Try to. What is wrong with you? Something is. कुछ नहीं है यार. वहाँ पे चलो अब. And Palak, I'll see you in the evening. Yeah. Great. Move. Bye. Bye bye. Palak. I don't know. I just wanted to say, like I never thought you and me, you know, after Ricky bhai and you split, I genuinely hated you. But then I never heard your side of the story. And ab mujhe lagta hai ki shayad tum itni bhi galat nahi ho sakti. And maybe jo hame bataya gaya tha wo adhura sach tha. So in short, I just want to say, if you ever need me, I'll be there for you. Thanks. Are you crazy? बचा लिया. What next? Plan क्या है? मान गई? तीनों मान गई. ये अंगद तो बहुत बड़ा लड़कीबाज निकला. I'm impressed. I mean, गट से साले में कानून का भी डर नहीं. Confident है. उसे पता है कि कोई लड़की कभी बाहर निकल के आएगी नहीं. उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी. इसलिए लोग ऐसे होते. ऐसे रीवा दी को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है. उनकी चॉइस हमेशा से खराब रही. फोकस. ओह यस. यस बॉस. चले. Nothing to worry, okay? You just take care. Thank you. Thank you, doctor. देख, तुम लोगों ने आज की पार्टी की बहुत सारी तैयारियां की हैं और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही बेटा. मैं डॉक्टर शीला के यहाँ चली जाती हूँ. कहीं यहाँ तबीयत और खराब होगी तो कुछ खराब हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा. ओए, तूने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम ऋत्विक और पलक को साथ लाओगे. मैं करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूत बन के तुम्हारा पीछा करूंगी. मालूम है भूत बन के. और भूत बन के क्या, आप अभी भी भूत ही हो. हाँ. प्रगति, डोर क्यों खुला है? प्रगति, दिया, जिया? सरप्राइज्ड? कुछ साल पहले मैं भी ऐसे सरप्राइज्ड हुआ था, बट डोंट वरी, अकेला हूँ, अपने बॉस के साथ में. तुम्हें इनवाइट करने आया. सब लोग कहाँ पे हैं? आई डोंट नो, दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया. बाय द वे, यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब रेजिंग द किड्स. बच्चे घर पे नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ. तुम मुझे डराओ मत, मुझे बताओ बच्चे कहाँ हैं. एज आई सेड, मैंने काफ़ी देर वेट की, कोई मिला नहीं तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली. रीवा और अमन की एनिवर्सरी है आज, पार्टी है, प्लीज़ आ जाना.
शादी पे तो डैड तुम्हें देख नहीं पाए, बट आई थिंक आज जब तुम डिवोर्स पेपर साइन कर रही होगी तो आई बी हैप्पी टू सी यू, हैप्पी कि ये चैप्टर फाइनली क्लोज हो रहा है और उस अंगद को जिसको तुम ढूंढ के लाई हो अल्फा किम होगा, आ जाना। एंड प्लीज कुछ ढंग का पहन के आना। आई वंडर वो ब्लैक नाइट एपी भी है तुम्हारे पास?